मेरा दूसरा भाई आ गया, सबसे छोटा और सबसे ज्यादा शरारती, ये आपसे बातें करेंगे। पख्तो क्यों है? खैर देखो, पोर्टो के रिश्वे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स, ठीक हो, खैरियत है? और पहले खबर करा हुआ हो रहा है ना, वैसे कट करते में फिकर चाहता हूं, कंटिन्यू कर बात करो। वो नहीं चलता रहा बस कहां दे बगैर। कराची के रंग पाकिस्तान के संग आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तरबेला डैम के गाजी बरोटा में अलबेला पार्क के अंदर। तो चलो मैं अलबेला के आप लोगों को बताऊँ कि अलबेला में क्या है और अलबेला कहाँ पर वाक़ है। गाजी बरोटा एक इलाका है केबीके के अंदर, और इसके अंदर है अलबेला पार्क। और ये पार्क यहाँ से हमसे मतलब पीछे जो है हमसे, ये जो नहर आप देख रहे हैं, ये नहर नहीं, ये दरिया है बहुत बड़ा। और हमसे पीछे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा वो पहाड़ी, अगर आप लोगों को नज़र आ रही है तो वो तरबेला डैम के मनाजर, वो दीवार आप लोगों को उम्मीद है क्लियर नज़र आ रही होगी। तो ये तरबेला डैम है जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम इसको कहा जाता है। और ये उससे जो पानी आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर पानी आगे यहाँ से आगे बाकी सिंधों में मिल जाता है। इसके अलावा अलबेला एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत पार्क है, जिसमें अपने बच्चों के अलग अलग झूले हैं और बड़ों के अलग। ये उसके हिदायत है अलबेला की, वेलकम टू अलबेला। अपनी कीमती अशिया मसलन मोबाइल फ़ोन, लेडीज़ पर्स वगैरह की हिफाजत खुद करें। बसूरत दीगर किसी भी किस्म का तजाद काबिल कबूल नहीं होगी। वालदेन को बच्चों की वालदेन को बच्चों से गफलत गुम होने की सूरत में मिलजुल जिम्मेदार नहीं होगी। खाने पीने की अशिया के साथ लेकर आना, साइडों पर खाना पकाना मना है। किसी भी किस्म का गाना बजाना ढोल छोड़ना ममनू है। तो बहुत ही अच्छी हिदायत है माशाल्लाह यहाँ की। और इस यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, आप देख सकते हैं, इसमें फ़िश है और फ़िश बीबीक्यू, फॉयल फ़िश, फ़िश कीमा, मटन कढ़ाई और वगैरह वगैरह हर चीज़ मौजूद है यहाँ पर। और ये पार्क के बाहर के मनाजिर है जो बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है, जो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है प्यार के, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है पार्क के। पार्क बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में बना पड़ा है, आप देख सकते हैं। ये पार्क का अंदर जाने का रास्ता है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर पार्क की इंतज़ामिया बैठी होती है और टिकट सिर्फ 30 रुपये है। और जब भी आप केपी के आए तो केपी के में इस अलबेला पार्क का आप ज़रूर विज़िट करें। ये बहुत ही प्यारा पार्क है, ये यहाँ पर मैनेजमेंट बैठी होती है, बहुत ही ज़बरदस्त मैनेजमेंट और सफाई सुथराई का बहुत ही ज़बरदस्त निज़ाम है यहाँ पर। और ये पार्किंग एरिया है, आप अपनी गाड़ी या रिश्ता यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा पार्क बहुत ही मुहित रकबे पर मुश्तमिल है। आगे बड़ों के झूले भी मौजूद हैं वहाँ पर, आप देख सकते हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको, मैं जूम कर। अच्छा ये जो दाची जूली थी, जूली टिकट मतलब मन पकड़ टिकट अगाटे झूले की जूली सिर्फ बैठी चलू बढ़ेगा दस टन को लाइव की दाजू लगे। मतलब उसको लाओ दिलाओ, सही है सही है। भाई पख्तों के मतदा खबरें खोलें, पिछले स्वीक में ये हम ये बात कर रहे थे कि ये झूला अभी ओपन है या नहीं, जो बहुत बड़ा झूला है वहाँ पर। तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ये झूला ओपन है और 100 रुपये इसकी टिकट है। बहुत ही खूबसूरत पूल माशाल्लाह, सिर्फ फैमिली के लिए, सिर्फ यहाँ पर फैमिली के हजरात आ सकते हैं। बाकी अभी मैं आप लोगों को मिलाऊंगा अपने बड़े भाइयों के साथ, जो मेरे बड़े भाई जैसे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे लेकर आए हैं, जिसका एक का नाम है राशिद अली, दूसरे का नाम है यासिर अली, और सबसे छोटा भाई है जलाल खान। ये ग्रेप्स खा रहे हैं और माशाल्लाह ये इंजॉय कर रहे हैं। ये आपसे कुछ कहना भी चाहेंगे, अपनी तारुफ भी कराएँगे। और ये यासिर भाई है मेरे, अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये मैं हूँ कराची के रंग पाकिस्तान के संग, और ये मेरे बड़े भाई है यासिर भाई, जो यहाँ पर केपीके में मेरा घर है अलग,
तो हम सब एक साथ रहते हैं यहाँ पर फैमिली में। और ये मेरा सबसे बड़ा भाई है राशिद अली भाई, ये सबसे बड़ा है हम में। और ये यहाँ पर अभी आया हुआ छुट्टियों पे है, इंशाल्लाह हम करीब ये बाहर ममालिक जाएंगे। तो खतरी जी तो पख्तो क्यों होता सवाई यूट्यूब वाले पख्तो की सवाल उर्दू को हम पख्तो के सर के दिला ख्वाड़ी। अभी ये पश्तो में भी कुछ बताएंगे और उर्दू में भी, क्योंकि पश्तो स्पीक व्यूवर्स भी है और उर्दू व्यूवर्स भी है, तो कोई इशू नहीं है, आप पश्तो में भी बोल सकते हैं उर्दू में भी बोल सकते हैं। ये हमारा दरिया है दादमगा सिंधे दा नन सभा के देश यात्रा पर खुद हो और दा चूँकि डिर जात उबरा गली दी उस दा देखो हमरा गली दी और दा आखवा चकम सिंधे दा अगर चारा बही की दा वो डिर जात उबो बही की आगल तक ही हाँ अल तक डिर जात उबो बही की दा उस दे वा डिर रागली तरबेली आगा डेम आगा बना आगा दे चे मुंगा खबर कोल चकम बंद है दा वोड़ के बंद है दिन अपूर्त चकम दे हाँ अगा लग दीवाल सी देगा ना अगा दीवाल सी दे दा घाट बंद बेसिकली यहाँ पर वजह ये है कि यहाँ पर जो भी बोट की जो प्राइस है, जो कराची में हम बोट स्पीड बोटिंग करते हैं समंदर में, वो 300 400 500 रुपए है जो पूरे समंदर में हम घुमाते हैं कहीं भी। यहाँ पर वो चक्कर नहीं है, यहाँ ये चीज़ महंगा है थोड़ा सा अभी, क्योंकि पेट्रोल भी प्राइस हाई हो गया है जिसकी वजह से ये सब महंगा है। मैंने बहुत ही दिलकश और बहुत ही खूबसूरत मनाजर है यहाँ के। बिस्मिल्लाह जो आप लोग सामने नजर आ रहे हैं वो बड़ा बंद है, जो दुनिया का दूसरा बड़ा बंद है करबेला डैम। पहला जो एक नंबर पे है वो अमेरिका में है और दूसरे पाकिस्तान के सवाबी में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा यानी सेकंड नंबर आता है। और आजकल पानी बहुत ज़्यादा है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, इन लोगों ने स्पिलवे भी खोला है। और स्पिलवे का जो नीचे पानी आता है वो छोटा सा, इन लोगों ने छोटा नहीं है काफ़ी बड़ा है, उसका एक अलग हिस्सा है जो दूसरा डैम है, जो नहरों में तकसीम होकर हाजी बरोता नहर पर जाते हैं और कुछ दरियाओं के शक्ल शहर करके इधर अटक की तरफ जाता है। ये सब इधर हंड की तरफ बहता है। हंड में तकरीबन इसका लेवल आजकल बहुत ज़्यादा है। और दूसरा बात है कि अटक के मकाम पे ये सिंध और दरिया काबुल दोनों मिल जाते हैं, इसकी वजह से पानी का बहाव और ज़्यादा हो जाता है और भी उसका लेवल अप जाता है। ये जो भी आप लोगों ने बाग की तरफ जाता है, ये सब आपको जो नजर आ रहा है ये सीधा पानी जो जाते हैं सीधा हंड की तरफ जाते हैं, हंड से सीधा होके अटक की तरफ जाता है। अच्छा। और अटक के मकाम पे उधर मिलता है, आजकल पानी बहुत ज़्यादा है और एहतियात करना चाहिए। ये मेरा दूसरा भाई आ गया, सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा शरारती, ये आपसे बातें करेंगे पश्तो की हुआ खैर देखे पोर्टो के रिश्वे। क्या हाल है फ्रेंड्स, ठीक हो, खैरियत है? और कंटिन्यू कैसे बात करूँगा जबरदस्त। ये असल में बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है, इसने सलाम तो किया लेकिन उसके बाद इसकी बोलती बंद हो गई, मुझे नहीं पता कि क्यों। और ये ज़्यादा शर्मा रहा है और बहुत सोना भाई है मेरा, लेकिन शर्मा बहुत ज़्यादा रहा है, अब मुझे नहीं पता कि क्यों शर्मा रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है। इसने नमाज वमाज पढ़ ली माशाल्लाह, पाँच वक्त नमाज ही बंदा है। नहीं मैं भी पढ़ता हूँ लेकिन मैं दो चार पाँच में से दो तीन पकड़ लेता हूँ। चलो ठीक है, कराची के रंग पाकिस्तान के संग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।